कुछ दिन पहले आपके नेपाल के संविधान सभा के बैठक में आपके छत से एक जवान साढ़े को संबोधन करने गया था। मैंने आपके साड़ियों को कहा कि आपका नेपाल बहुत कंगाल हो गया, बहुत दुख पाया, नेपाल गुजरात को दीजिए, 5 बरस में गुजरात जैसा बनाकर फिरता कर देंगे। लेकिन आपके सांड ने कहा गुजरात को नहीं देंगे, बरु गुजरात नेपाल को दीजिए, 1 वर्ष में नेपाल जैसा बनाकर फिरता कर देंगे। मित्रों, मैं यहाँ के बिलायती गोरखाओं को बधाई देना आया हूँ जिन्होंने अपना समान तलब और समान पेंशन के लिए इतना बड़ा आंदोलन किया और बिलायती हुकूमत को झुकने बाध्य किया, उन गोरखाओं को बधाई देने आया। मित्रों, मेरा मानना है हिंदुस्तान में भी बहुत गोरखा सिपाही है, वहां भी ऐसा आंदोलन होना चाहिए। यदि वहां भी भेदभाव हो रहा है तो मित्रों, पानी नानी और जवानी पहाड़ में नहीं रह सकती है, पानी नानी और जवानी पहाड़ में नहीं रह सकती है। इसीलिए आपके सार ने पानी को दिल्ली की तरफ, नानी को बॉम्बे की तरफ और जवानी को विदेश की तरफ धकेल दिया। नेपाल का दुर्भाग्य यहीं से शुरू हुआ है। मित्रों, नेपाल और भारत के बीच में कितना गहरा संबंध है। हिंदुस्तान में एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना हूं और आपके नेपाल में भैंस चराने वाला राष्ट्रपति बने हैं। और भी समानता है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में सोनिया गांधी की साड़ी और नेपाल में सुशील कोइराला की दाढ़ी, हिंदुस्तान में सनी आपके नेपाल में बाबूराम भट्टराय जी का जिगर और हमारे इंडिया में सनी लियोन का फिगर, कितना गहरा संबंध है। मित्रों, मैंने सुना था नेपाल कृषि प्रधान देश है, लेकिन जब मैं आपके काठमांडू में पहली बार उतरा तो वहां कृषक नौजवान विदेश की तरफ जा रहे थे, तो मुझे लगा नेपाल अब कृषि प्रधान देश नहीं रहा, सिर्फ कामदार प्रधान देश बन गया है। मित्रों, मैं आपके सामने एक सुझाव देना आया हूं कि नेपाल को बनाना है। नेपाल उस दिन बनेगा जिस दिन नेपाल के जहाज में नेपाली युवा विदेश की तरफ नहीं, जिस दिन हिमालय के मिनरल वाटर तराई के तरकारी बोकर नेपाली कार्गो विमान जिस दिन अरब के खाड़ी में लैंड करेगा, उसी दिन बुद्ध भूमि स्वर्गलोक बन जाएगा। अब म श्री नरेन्द्र मोदीजीसँग केही प्रश्नहरू राख्दैछु, उत्तर सुनौ उहाँकै मुखबाट। उहाँले नेपाल जाँदा को कोसँग भेटवार्ता गर्नुभयो, के कस्ता गोप्यवार्ता भए र के कस्ता सहमतिहरू भए, सुनौ उहाँ यसको रहस्य उहाँकै मुखबाट। प्रधानमन्त्रीजी, तपाईँ जब नेपाल जानुभएको थियो हाम्रा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र तपाईँ बिच के कस्ता गोप्यवार्ता र के कस्ता सहमति भए, हाम्रा दर्शकलाई बताइदिनुहुन्छ कि? मित्रों, मैं जब गोप्य बैठक में गया तो सुशील जी के साथ जो बात हुई आप सुन के सिर नतमस्तक हो जाएंगे। सुशील जी ने मुझे कहा 5 पटक ऊ किया, लेकिन कुछ क्या कहा मैं कुछ भी नहीं समझा। 6 बार ऊ करने के बाद मैंने मेरे धर्म पुत्र जीत बहादुर को पूछा ये ऊ क्या होता, तो इन्होंने ट्रांसलेट किया कि सुशील जी बहुत बीमार है, जिब्रो का कैंसर है, अमेरिका चले गए, दिल्ली नहीं चले गए, इसलिए दिल्ली में वेदांत हॉस्पिटल में सोर्स लगाने के लिए बोल ऊ कर रहे हैं। मित्रों, मैंने सुशील जी को कहा, सुशील जी बहुत शर्म की बात है, क्योंकि रामायण में जब लक्ष्मण बीमार हुए थे तो हनुमान औषधि लेने के लिए नेपाल के पहाड़ में गए थे, लेकिन आपके सांड छोटी सी खुजली हो जाए तो उपचार के लिए दिल्ली चाकड़ी करते हैं, ये बहुत शर्म की बात है। मित्रों, मैंने सुशील जी को एक सुझाव दिया
कि उपचार इंडिया में नहीं है, हिमालय के गर्भ में बहुत सी जड़ी बूटियां छिपी है। वो जड़ी बूटी कहाँ है सिर्फ हनुमान जी को पता है। पशुपति में जाइए, हनुमान से दोस्ती लाइए, खुजली ठीक होके आइए। फिर मैं नेपाल में गएको बेला माओ